अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आप सबको वेलकम आज के लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर जो है बेसिक तौर पे ये हम आयन के ऊपर, मतलब जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया था आयन, ठीक है, उस पर ही कुछ हम टाइम देंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसके ऊपर और उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब के सब जो है फुल इंजॉय कर रहे होंगे अपनी क्लासेस को। अभी आपका नया सेशन जो है आगाज़ हुआ है, नए सेशन जो है हमने आपके लिए स्टार्ट किया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसके सब जो है इस तमाम ये सेशन की और बहुत कुछ अभी तक आपने सीखा भी होगा और इंशाल्लाह पूरे साल में आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और आपकी बहुत अच्छी तैयारी जो है वो चलेगी यहाँ से। बाकी जो है आपकी हमारी आपके साथ लास्ट क्लास होगी, उसके बाद जो है हमारी ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। सो वो ईद की छुट्टियां जो है वो नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे तक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे तक जो है आप लोगों की ईद की छुट्टियां होने जा रही हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है एक रिलैक्स करने का, आप कह सकते हैं संभव, एक अच्छा एक मौका मिल चुका है अपने आप को रिलैक्स करने का। सो आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और अच्छे से जो है ईद की तैयारी भी करेंगे और ईद जो है इंजॉय भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ और अपने घर वालों के साथ, ठीक है। भाई सर आवाज़ नहीं आ रही, भाई आवाज़ बिल्कुल ठीक है, नहीं आई थिंक प्रॉब्लम है उसका है? जी नहीं आवाज़ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आवाज़ बिल्कुल ठीक है हमारे एंड पर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता था कि हमने आयन लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मतलब आयन के हवाले से हमने स्टार्ट ले लिया था, आज हम उसी से ही ऑनवर्ड चलेंगे। सर प्लीज़ शॉर्टली अंडरस्टैंड मी द प्रीवियस टॉपिक्स। अच्छा देखो मोहम्मद, हमने जो है एटम के जो है हवाले से बात की थी, हम जो है एटम के हवाले से बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों को एटम का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था और उसके बाद फिर जो है ना मैंने आप लोगों को एविडेंस ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन किया कि एटम जो है उसको हम देख पाते हैं नहीं देख पाते, उसके लिए क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने आप लोगों के साथ मॉलिक्यूल्स को शेयर किया था कि मॉलिक्यूल्स क्या, हर चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट होता है। आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो सर्कल फॉर्म के अंदर रेड कलर का एक जो है वो तो आपको आइकॉन नजर आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें डेट वाइज लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। जी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं, आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर है, आवाज़ का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ईद की छुट्टियाँ हैं वो आपकी परसों से हो रही हैं, ठीक है, ऑनवर्ड आपकी ईद की छुट्टियां हो रही हैं और ये ट्यूसडे या वेडनेसडे तक जो है वो होंगी, कल हम आपको प्रॉपर अनाउंस कर देंगे। हालांकि रिसर्च डाई नेगेटिव आयन के लिए क्या प्रोसेस होगा, एक्सो या एंडो, हाँ जब ने कल बात की थी, मैं उसी से ही ऑनवर्ड चलूंगा, वही चीज़ दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा था मैं आप लोगों के लिए। देखो मैंने आप लोगों को कल बताया कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा लेट्स सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। अब अगर आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हो, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम एक एटम के अंदर इनके हम करते क्या है कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, तो जब किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाएगी तो हम कहते हैं इस पे नेट होल चार्ज माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और हमने कहा था कि जब भी हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं इनसाइड दी एटम, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उससे एनर्जी रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन बेसिक तौर पर क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई, अब इस पे नेट होल चार्ज माइनस आ चुका है, ये एक एनायन में कन्वर्ट हो चुका है एटम। अब अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन करना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, एक एनायन जो है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्ज सेम हो चुका है। सो हम कहते हैं कि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन उसी सूरत में करवा सकते हैं जब हम इस रिपल्शन की फोर्स को खत्म करेंगे या मिनिमाइज कर देंगे या रिमूव कर देंगे। और रिपल्शन की फोर्स कब खत्म होगी, रिपल्शन की फोर्स खत्म हो सकती है हम जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये रिपल्शन की फोर्स खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड एड हो सकता है इनसाइड द यूनी नेगेटिव आयन, ठीक हो गया। सो आप जब भी डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे या इसे लार्जर पोली नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे, वो हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, यही गल मैंने एक्सप्लेन किया था। यूनि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, वाइल पोली नेगेटिव आयन और इवन डाई इवन जो है इससे ऑर्डर जो भी आप बनाएंगे, ठीक है, दे आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक होंगे, ये सारा प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाएगा, ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट हमें डिस्क्राइब करना था आज इस हवाले से, आयन के हवाले से, हमने मॉलिक्यूलर आयन को एक्सप्लेन करना है।
मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आप लोगों के लिए जो है रेडिकल की टर्म एक्सप्लेन करूंगा और रेडिकल की टर्म को समझाऊंगा, ठीक है। देखो एक एटम जो है, ओके सर एंडो है, एग्जैक्टली। अच्छा देखो मैं आपको बताऊँ कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक एटम जो है सिर्फ वो ही कोई चार्ज कैरी कर सकता है या वो ही एक आयन होगा। इट मे पॉसिबल के नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इट मे पॉसिबल कि हमारे पास जो है एक ऐसा आयन हो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स मोर देन वन हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम CO3 की बात करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स चार हैं और नंबर ऑफ एटम्स चार हैं, चारों के ऊपर नेट होल चार्ज -2 है। सो ये एनायनिक स्पीशी है, ये क्या हमारे पास एनायनिक स्पीशी है। और इस तरह के आयंस के जो हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स मोर देन वन कैरी करते हो, जिस ऊपर एज अ होल नेट होल चार्ज हो कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरह की स्पीशीज को रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, इतना सिंपल हम क्या कहेंगे, रेडिकल्स का नाम देते हैं, रेडिकल्स का नाम दे रहे होते हैं हम, ठीक हो गया। और हम ये बात कहते हैं कि एनायन जो है, ठीक है, एनायन की अगर हम बात करते हैं, एनायन रेडिकल्स की बात करते हैं, सो हम कहते हैं एनायन रेडिकल्स आर मोर अबंडेंट। इनकी एग्जांपल भी आपके पास बहुत ज्यादा मौजूद है आपकी बुक के अंदर, यानी जैसे मैंने आपको बताया CO3-2 है, HCO3-1 है, सॉरी OH- है, ठीक है, इस तरीके से PO4-3 है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सी आ सकती हैं। सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एनायनिक फॉर्म के अंदर जो रेडिकल्स हैं दे आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू केटाइन। और हमने यहां देखा हुआ अपनी बुक में भी आपकी लिखा हुआ है कि केटाइनिक जो हमारे पास क्या कहते हैं रेडिकल है, केटानिक रेडिकल है, उसकी सिर्फ एक एग्जांपल मेंशन की हुई आपकी बुक में NH4+, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल ही आपके पास इस आपकी बुक में है, यानी NH4+ यही एग्जांपल आपके पास है एक केटानिक फॉर्म के अंदर जो जो हमारे पास रेडिकल है इसकी, ठीक है। और ये बनता किस तरीके से है, ये बनता आप जानते हैं कि NH3 जो है NH3, ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन है इसके पास लॉन पेयर है, ये अपने लॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा H+ के ऊपर और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा विद H+ आयन और NH4+ बन जाएगा, ठीक है। सो NH4+ कैसे बनता है कि अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन जो है ये अपने लॉन पेयर को ट्रांसफर करता है, H+ को ट्रांसफर कर देगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये बनाएगा। सो NH4+ हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल है कि इस चीज की, भाई केटानिक जो है रेडिकल की जिसपे -3 है उसमें ट्राई नेगेटिव प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली ट्राई नेगेटिव का जो प्रोसेस है वो भी एंडोथर्मिक ही होगा। हाउ रेडिकल्स आर फॉर्म, जब कोई हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन डोनेशन करता है तो बनता है। सर आवाज की प्रॉब्लम है, मारुफा पता नहीं क्या नाम आपने रखा होगा अपना, मैं बताऊँ की कोशिश किया करें कि आप लोग जो अपनी ID का नाम लिखें, जो नाम रखें, ठीक है, वो अपने पर्सनल नेम की बेस पे रखा करें, जो आपका एग्जैक्ट नेम होता है, ठीक है, उससे ये होता है कि रिकग्निशन आसान हो जाती है, बोलना आसान हो जाता है, पुकारना आसान हो जाता है, आवाज़ में तो कोई इशू नहीं है। जो नेगेटिव होगा उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, नहीं भी मैं अभी बताया आपको जतन के अगर जो मोनो नेगेटिव है सो देखिए वो सिर्फ एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं। आयन वाला जो प्रोसेस है, आयन का जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सर, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या पॉजिटिव होगा, जब आप मुझे बता दें पॉजिटिव का क्या कह रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं पॉजिटिव फॉर्मेशन, तो हमेशा केटायन फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक ही होती है, केटायन फॉर्मेशन प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक ही रहता है। फिजा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप मुझे जरा बता दें, क्वेश्चन आप पूछें ताकि हम क्वेश्चन का आंसर दे सकें आपको। केटाइन कह रहे थे केटाइन एनायन, अच्छा केटाइन हमेशा एंडोथर्मिक ही होता है, ये देख लीजिएगा। आवाज क्लियर नहीं है, देख लेते हैं इसको, आवाज का प्रॉब्लम जो आ रहा है इसको हम देख लेते हैं, उसको हम ठीक कर लेते हैं। अभी बता देखो मरियम, अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर आयन पढ़ना है, इसको ना आई थिंक इसकी वजह से आ रहा है इशू। हाँ अब देखें, अब आपको आवाज आ रही है जी, अब आपको आई थिंक आवाज क्लियर होगी और मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, बैकग्राउंड से प्रॉब्लम है वॉइस की। अब मैं यहां से ठीक हो गया होगा,
सर ये जो आपने रेडिकल के बारे में बताया वो बताते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक एटम पे ही चार्ज हो, ठीक है, एक एटम पे ही चार्ज हो लाजमी नहीं है, ठीक है। इट मे के नंबर ऑफ एटम्स मोर देन वन हो, 3, 4, 5, उन पे नेट होल चार्ज कोई ना कोई हो, ठीक है, सो उसको हम रेडिकल कह रहे होते हैं। केटाइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो केटाइन फॉर्मेशन जो है, सॉरी केटाइन हाँ पॉजिटिव है, बिल्कुल चार्ज पॉजिटिव होता है, और केटाइन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जी क्वेश्चन अगर आपका है तो बता दें, नहीं तो अगर आप कहते हैं तो हम केटाइन मॉलिकुलर जो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। फिजा आपकी क्वेश्चन नहीं है अभी, क्या पूछना चाहते? रेडिकल के बारे में मैंने यही बताया ना, देखो एक एटम पे चार्ज हो सकता है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही एटम पे चार्ज हो। इट मे पॉसिबल कि मोर देन वन एटम जो है इकट्ठे हों और उन पे एज अ होल चार्ज हो, उसे रेडिकल कहते हैं। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट स्टार्ट न्यू टॉपिक। शबी अभी स्टार्ट कर लेते हैं, जस्ट देख लेंगे कि किसी और का क्वेश्चन रह गया हो तो आप बता दें जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दें आप लोग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा देखो रेडिकल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये चार एटम्स इकट्ठे हैं इन पे नेट होल चार्ज -2 का है, सो हम कहते हैं जब भी हमारे पास मोर देन वन एटम्स हो और उन पे कोई चार्ज हो, ठीक है, सो हम कहते हैं कि हम इस तरह के स्पीशी को हम रेडिकल का नाम दे रहे होते हैं। NH4 के बारे से मैंने बताया आपको कि NH4 पे एज अ होल प्लस चार्ज है, ये बनता किस लिए किसी है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लॉन्ग पेयर है उसको ट्रांसफर करता है एच प्लस के ऊपर और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आता है। नेट फोर्स कैसे मालूम करेंगे कितनी होती है, किसकी नेट फोर्स? भाई जतन किस नेट फोर्स की बात कर रहे हो आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सा कह रहे हो। नेट फोर्स का बता दें, कौन सी नेट फोर्स ना बता दें, कौन सी नेट फोर्स बतानी है जल्दी से। जी तो आगे चलें, नेक्स्ट हम मूव कर लें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन, उसके बारे से बात करेंगे। सो मैं इसको रेज करता हूँ और मॉलिक्यूलर आयन को स्क्रीन करता हूँ। आवाज़ में भी प्रॉब्लम है भाई, अब तो आवाज़ क्लियर हो चुकी है, सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा आवाज अभी भी प्रॉब्लम है। आवाज क्लियर होगी, आवाज क्लियर है बच्चों को? ठीक है, हेलो जी। दोबारा से जो है मैं आ चुका हूँ आप लोगों के पास और मैं यहाँ से आवाज़ अब क्लियर होगी आप लोगों को? जी मेरे ख्याल से आवाज़ अब आप लोगों को क्लियर है, क्लियर ना हो बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे और मॉलिक्यूलर आयन बनते किस तरीके से हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं ये हमें देखना है। जैसे भी हमने बात की थी कि जब भी हमारे पास क्या होता है कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है चार्ज आ जाता है और चार्ज कैरिंग स्पीशी को हम आयन कह रहे होते हैं। सिमिलर वे के अंदर हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, तो इस सूरत में भी हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल पे भी कोई चार्ज आ जाएगा, और जब भी मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज हो तो हम कहते हैं कि वो भी मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि व्हेनेवर
अ मॉलिक्यूल लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट विल कैरी सम चार्ज it is called as molecular ion. इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कहलाती है, ठीक हो गया। सो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है भी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दोनों सूरतों में इस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। और जब भी कोई एक जो है क्या कहते हैं मॉलिक्यूल को चार्ज कैरी करेगा तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन होगा। सिमिलर वे के अंदर, जैसे हमने एक एटम की बात की थी, व्हाई डज अ मॉलिक्यूल गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको बताऊं कि हसन आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हम जो है आगे चलते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करेंगे, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। लाजमी नहीं है कि जो है एक मॉलिक्यूल एज अ होल वो न्यूट्रल ही हो, ठीक है, हो सकता है कि जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ठीक है। या ये भी है कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल जो है उसमें जो सेंट्रल एटम है वो लोन पेयर कैरी कर रहा हो सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है। या ये भी है कि हम किसी जो है गैस के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्सरे का एक्सपोजर करवा दें, इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सपोजर करवा दें, तब भी कोई चार्ज आ जाएगा। सो इसलिए होता है उसमें चार्ज आ जाता है जी। ठीक है। सो अब यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहा कि एटम की हम बात करते हैं, सो एटम जो है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव वाले को केटायन कहते हैं और नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरह से ही हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन होता है इसमें अगर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन हो जाता है, ठीक है भाई। डेफिनेशन किस चीज़ की पूछ रहे हैं आप, जरा मैं देख लूँ। रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस, अभी देखो अभी हमने बात करनी है इस हवाले से, मैं आपको थोड़ा सा देर में बता दूंगा मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल में डिफरेंस। सर ये एटम आयन के की भी डेफिनेशन यही होगी और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल की जगह एटम लगा देंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल यही होगी डेफिनेशन। मैं बता देता हूँ राफे आपको जस्ट अभी डिफरेंस बता देता हूँ, अभी हमने इसमें डिटेल में जाना तो फिर हम वहाँ पर देख लेंगे ना डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन्स एंड रेडिकल्स। जस्ट अभी तो ये डेफिनेशन क्लियर कर लेना आप लोग। नेविस ने बड़ी बात कर दी है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। केटायनिक आयन्स बनन होते हैं देन एनायनिक आयन्स, ठीक है क्या एग्जैक्टली, देखो मैं बताऊं आपको केटायनिक आयन्स ये केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स मरफुआ मोर अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूलर आयन्स में इनकी अबंडेंस ज्यादा होती है। अभी ताता हूँ राफे, मैं अभी अभी उस पॉइंट पे गया नहीं हूँ, अभी जस्ट मैं आप लोगों के क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ले रहा हूँ। एफ ए की क्लासेस इसी तरह जल्दी स्टार्ट, मतलब उर्दू की क्लास स्टार्ट करने का हम कह रहे हैं कि कर लें। सर किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम लोन पेयर रख सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अमोनिया की बात करते हैं NH3, तो उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। क्लास खत्म होने का टाइम तो भी जो है थोड़ा बहुत ही पड़ा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल दे दें, अभी देने लगा था दानियाल, उसी बारे से बात करूंगा। अच्छा हमारे पास अब दो तीन पॉइंट्स है कि मॉलिक्यूलर आयन बनते किस तरीके से हैं, मॉलिक्यूलर आयन जो है उसमें और रेडिकल में डिफरेंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जो है राफे और बाकी बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है इसको रेस किया है। सो उनका आंसर भी देना है। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, फिर हम चलेंगे उस तरफ। और एग्जाम्पल में हमारे पास जो है जैसे CH4 पॉजिटिव है, CO पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरीके से N2 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक हो गया। सो ये वो हमारे पास आयन्स हैं कि जो हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे के या लेके जो है वो अपने पर चार्ज के कहते हैं। सर ट्रांसलेट करने किस चीज़ को ट्रांसलेट करना है मोहम्मद, आप जल्दी से बता दें।
किस चीज़ को आपने जो है ट्रांसलेट मुझसे करवाना है। अच्छा, अब इंशाल्लाह जो है कल आपसे मुलाकात होगी। यहाँ तक हम अपने लेक्चर को स्टॉप करेंगे और कल मैं आते ही जो है डिफरेंस बताऊँगा बिटवीन रेडिकल एंड मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, वो बता दूंगा मैं आप लोगों को। एटम दैट हैज़ एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रेडिकल इज़ अ मॉलिक्यूल, और एटम दैट हैज़, नहीं देखो ये थोड़ा गलत हो गया लीना, रेडिकल को मैंने आपको बताया था कि रेडिकल एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि मोर देन वन एटम कैरी करती है और उस पर एज अ होल नेट होल चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं कि मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन डेवलप होता है। कल इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होगी, इंशाल्लाह कल हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, इसको इलस्ट्रेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर के बारे से फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कोई जो है आपने बात शेयर करनी हो लेक्चर के हवाले से, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।